गणेश भैया, ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कीबोर्ड कहलाएगा। अभी स्टार्टिंग रेंज के अंदर है। इसमें क्या है, पूरी 44 कीज़ के आगे, मतलब 3.5 ऑक्टेव ऑलमोस्ट जो हारमोनियम में कीज़ आती हैं उसके बराबर कीज़ आ जाती है इसमें। देखिए, हाँ, ऑलमोस्ट आपके पास 100 टोन्स आ जाएंगी, जिसमें आपको हारमोनियम भी आ गया, इंडियन वेस्टर्न दोनों हारमोनियम है, सितार है, तबला है, ढोलक है। उसके बाद में बीट्स में भी आपको 50 पैटर्न्स मिल जाएंगे, प्लस 10 सॉन्ग बैंक्स मिल जाएंगे। और ये पैड्स हैं ओनली, ये चीज़ है। ये एक शॉर्टकट की हो जाती है, जिसमें आप लाइक हारमोनियम देन पियानो। तो बच्चों को क्या है कि कभी पियानो यूज़ करना है, कभी हारमोनियम करना है, तो नंबर की जगह क्या डायरेक्ट शॉर्टकट की में एक यूज़ कर लिया, ये आपके बैकग्राउंड रिदम में आ जाता है। जैसे ये आपने सेक्शन में स्टार्ट कर दिया, इसके साथ आप प्ले कर लो। देन इसमें क्या है, अब बीट्स भी आपके अलग अलग है। जैसे ये इंडियन आ गई, ये भांगड़ा आ गया, और इसी तरह आपने प्ले करना है। तो इसके साथ में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। प्लस अब के क्या है कि ये बैक साइड में भी इसमें अच्छी चीज़ दे रखी है, आप चाहो तो हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट में भी यूज़ ले सकते हैं। और उसके बाद में 6 सेल से चलता है, जिसका बैकअप करीबन 5 to 6 आवर्स का आता है। तो ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सेगमेंट हो गया, जो इंग्लिश स्टार्टिंग बड़े भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और छोटे करना चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बेस्ट चीज़ है ये। इसमें स्विम म्यूजिकल्स की प्राइस करीबन सर 3800 रहती है हमारी, 3800 3900 यही रहती है, और इसमें हमारे पास ये बेस्ट रहती है। तो और 3 ईयर वारंटी भी रहती है इसकी प्राइस की, और जो कंपनी प्रोवाइडेड है, आप हमारे पास भी लेके आएंगे तो हम भी करवा देते हैं, और कंपनी के पास डायरेक्ट जाएंगे तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके। और देन उसके बाद में इससे जस्ट एक बड़ा कीबोर्ड आता है, ये 49 कीज़ का आता है। हाँ, ये अराउंड 6000 का है, जस्ट इससे बड़ा ही हो गया थोड़ा सा। अगर आप बड़ा लेना चाहें तो एक ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या है, फंक्शन सेम से ही आएंगे, बस साउंड थोड़ा सा उससे थोड़ा बेटर आ जाएगा, और कीज़ आपको बड़ी मिल जाएंगी। तो ये भी है कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कीबोर्ड के सेक्शन हो गए, बाकी फिर देन इसके बाद में आपके पास में फिर ये हायर सेगमेंट में आपके पास लगी रहे सारे कीबोर्ड्स, ये हायर सेगमेंट में आ जाएंगे सारे। ये इसमें CTX 870 है, 700 है, यामाहा का कीबोर्ड है, तो ये सब मिल जाएंगे। क्या इसके अंदर क्या है, साउंड क्वालिटी भी आपको बेहतर मिल जाएगी। हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको, 700 ज्यादा इसमें टोन्स मिल जाएगी आपको। ये चीजें रिदम, मैं बजाता हूँ ना, इसमें टोन्स कम। हाँ, इसमें इंडियन रिदम वगैरह सब आ जाएगी आपको, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। इसमें पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगता, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग है, सब कुछ है। अब इसका टोन क्वालिटी क्या है आप प्ले करके देखिए, आप भी रियल हारमोनियम आ जाएगा आपके साथ, अलग अलग कैटेगरी है हारमोनियम की। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट। इसके अलावा ये आपको रियाज के लिए 3 ताल आ जाएगी अलग अलग। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो ना अपने हिसाब से, इसमें कोई भी रिदम आप अपने हिसाब से सेट करके साथ में आप प्ले कर सकते हो। वैसे तो भैया के पास बहुत सारे आइटम हैं, बताते बताते शायद मेरे ख्याल से दिन निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे। भैया जहाँ तक हो सके कम टाइम में हमें कितना बता सकते हैं?
वो एक बार भैया मुझे बता देंगे, और आपके लिए भी देखते और क्या क्या स्पेशल ऑफर्स भी आएंगे बीच में, इसलिए इसको स्किप ना करें, इसको देखते रहे, कंटिन्यू देखें, ठीक है। ये ट्रूविज़न कंपनी की तरफ से ये ट्रॉली स्पीकर है, जिसके अंदर इसी के दो माइक भी आपको डायनेमिक माइक साथ में आ रहे हैं, और ये बैटरी बैकअप वाला है, इसको भी हम अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये आपको अनबॉक्सिंग के बाद अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद में इसमें आपको दे रखा है, आपको चार इसके अंदर इनपुट दे रखे हैं आपको अलग अलग, जिसमें आप एक्स्ट्रा में कुछ माइक और ऐड ऑन कर सकते हो आप इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आप गिटार या कोई भी आपका कीबोर्ड हुआ या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ वो कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर चार आपको अलग अलग इनपुट दे रखे हैं। इसके साथ में दो माइक भी आ रहे हैं आपको इसी के, वो भी अभी आपको मैं शो कर दूंगा अभी आपको। इसके अलावा ये मेन इसका वॉल्यूम बटन आ गया, इसके अंदर बेस है, ट्रेबल है, बेस है, डिले है, इको है, माइक वॉल्यूम सेपरेटली दे रखे हैं। कई स्पीकरों में माइक वॉल्यूम और मेन वॉल्यूम एक ही दे दिया होता है, लेकिन इसमें सभी कुछ आपको सेपरेटली दिया रखा है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दे रखा है, आपको एसडी कार्ड है इसके अंदर, इसमें यूएसबी का आपको ऑप्शन दे रखा है, एसडी कार्ड का दे रखा है इसमें आपको ऑप्शन, ब्लूटूथ आ गया इसके अंदर, एफएम आ गया इसके अंदर आपको, और ये बैटरी बैकअप वाला है इसको है, बैटरी बैकअप वाला ट्रॉली है ये स्पीकर है। इसमें आपको ये ट्रॉली के लिए आपको ये दे रखा है, हैंडल भी दे रखा है आपको इसके अंदर। इसकी बैटरी जो है आपको 4 से 5 घंटे चलती है इसके अंदर बैटरी, प्लस आपको कंपनी की तरफ से इसमें 1 ईयर वारंटी भी दे रखी है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इसके सर्विस सेंटर हर जगह मौजूद है, हम ऑल ओवर द इंडिया भी इसको डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो कंपनी वाला बंदा जो है आपके घर आके इसको ठीक करके जाता है, जो कि आप इसके टोल फ्री नंबर पे जब आप इसको कॉल करेंगे तब वो आपको बंदा आता है। अब हम इसके माइक देखेंगे। ये आपको दो वायरलेस माइक दिए गए हैं जो कि गोल्ड कलर गोल्ड फिनिश के अंदर है, और ये भी ट्रू विज़न कंपनी की तरफ से है, और इसमें ब्रांडिंग हो रखी है इसकी, और ये आपको पूरा बहुत काफ़ी बेटर क्वालिटी के माइक होते हैं। ये दोनों ही माइक आपको सेम है, जैसे आप दो जने ड्यूअल गाना चाहते हैं मेल फीमेल तो दोनों आप गा सकते हैं, इसमें सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर बैटरी लगती है, जो कि अपने नॉर्मल सेल जो घर में अवेलेबल होता है डबल ए वाले सेल इसके अंदर लगते हैं, आप वो डाल के इसको डायरेक्ट वायरलेस आप सिस्टम से चला सकते हैं। जिसके वॉल्यूम और इको कंट्रोल आपको यहाँ ट्रॉली में ऑलरेडी दे रखे हैं, अभी हम आपको ये सब चेक कराएंगे। आइए अब हम आपको ड्रम सेक्शन की तरफ लेके चलते हैं। ये टामा कंपनी का ड्रम्स है जो कि इंपीरियल स्टार इसका मॉडल है। तो ये किस तरीके से इंस्टॉल होने के बाद में किस तरीके से दिखता है वो हम आपको एक बार पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से मतलब कलर मिलते हैं। ये पर्ल का ड्रम किट है वैसे ही है। ये कुछ इस तरीके से लगभग सभी ब्रांड के ड्रम किट कुछ लगभग इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें आपको कलर का वेरिएशन हो जाता है, कलर का हो गया आपको, थोड़ा स्किन का हो गया, ब्रांड का हो गया, थोड़ा ये चेंजेस हो जाता है आपको। इसके अलावा जो इसके ऊपर ये टॉप पे जो ये लगी हुई हैं ये प्लेट्स टाइप से जो आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम ड्रम की सिम्बल्स बोलते हैं, सिम्बल बोलते हैं इसको हम। ये पीतल में बनी हुई होती है जो कि हमारे पास में हर रेंज में मौजूद होती है। जैसा कि हमारे पास में ये वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जिलजैन में हम डील करते हैं। हमारे पास में ये सेबियन ब्रांड है, हमारे पास में माइनल हम डील करते हैं, माइनल की सिंबल आती है। तो एक बार हम इसको खोल के चेक भी करा देते हैं एक बार आपको। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये जिलजैन का ZBT मॉडल का है, और ये मेड इन USA सिंबल है पूरी। इसके ऊपर पर्टिकुलरली इसका टैग लगा हुआ आता है पूरा प्रॉपरली तरीके से, और ये काफ़ी जो ड्रमर्स होते हैं वो काफ़ी लाइक करते हैं इस ब्रांड को और ये क्वालिटी को। एक बार आप इसको होल्ड कर लेंगे सर, इसका हम आपको साउंड एक बार चेक करा देते हैं। हर पॉइंट पे ये अलग अलग साउंड करती है ये सिंबल। जैसे यहाँ पे कुछ आपको बेल टाइप का साउंड आएगा,
ये सिंबल्स आपको, इसके लिए स्टैंड्स भी आपको लेने होते हैं। इसके अंदर आपको ये पूरा सेट है, इसके अंदर आपको इसमें अलग अलग साइजेस चलती हैं, इसमें जैसे 14, 16, 20 एंड 18, ये इसमें आपको अलग 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 साइजेस चलती हैं, जिसको अपन हाई हेट क्रैश राइड बोलते हैं इसको अपन। इसके अलावा हम ड्रम्स स्टिक्स, जो कि सबसे मेन होती है ड्रम्स प्ले करने वाले के लिए, जैसे ये प्रोमार्क हो गया, जिलजैन की स्टिक्स आती है हमारे पास में, चैंसलर की आती है, काफ़ी तरीके की स्टिक्स आती है मार्केट में, हर तरीके की अवेलेबल है और हमारे पास में भी अवेलेबल है, काफ़ी तरीके की अलग अलग आती है। सिग्नेचर स्टिक्स है, क्रिस एडलर जो कि ड्रमर हैं काफ़ी फेमस, उनकी सिग्नेचर स्टिक्स हैं हमारे पास में, काफ़ी हर टाइप की स्टिक्स हमारे पास में 100 रुपीज़ से लेकर के और 2000 तक की स्टिक्स हमारे पास में अवेलेबल होती है। अच्छा मुकुल भैया, मुझे एक चीज़ और पूछनी है, वो ये कि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, लोग ऑनलाइन ज़्यादा परचेस करते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूथ को? ऑफलाइन में आपको क्या है कि मेन आपको सर्विस हम देंगे, जो हम आपको 1 ईयर हम इसका आपको गिटार के या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ उसमें हम आपको सर्विस देते हैं। कुछ प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं जो आपको पर्टिकुलरली कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको वारंटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको वारंटी में ही रिप्लेस करवाना या ठीक करवाना जो भी है वो हमारे ऊपर ही होता है, जो कि शॉपकीपर जो भी होते हैं उनके ऊपर ही होता है वो सारी चीज़ कि वो उसको वारंटी में ठीक करवाएं या जो भी है उसके सर्विस दें, तो हम आपको पूरी प्रॉपर तरीके से सर्विस देते हैं। इसके अलावा कुछ जने ऑनलाइन मंगा लेते हैं जो नहीं जानते हैं, या कोई बिगनर हैं जो कि 2500-3000-4000-5000 जो भी उनका बजट होता है उस रेंज के अंदर वो ले लेते हैं, तो उस रेंज में भी हमारे पास में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हमारे पास में अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी जो है हम स्टोर पर रखते हैं, अवेलेबल रखते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये है कि हम थोड़ा बेटर क्वालिटी ही ऑफलाइन हम रखते हैं, जिससे कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आए बार बार, और वो हमारे को भी रेफरेंस दें और वो हमारे साथ में जुड़ा रहे एनी टाइम। ये चीज़ है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा 100% देने की, कि हम जो भी कस्टमर होता है कि हम उसको बेस्ट गाइड, प्लस हम खुद भी प्ले करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर हम आपको गाइडेंस देते हैं, ये चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे कि मुकुल भैया ने मुझे बताया है कि ऑनलाइन ठीक है, लेकिन आप उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, लोकल मार्केट में जाइए और देखिए, वहाँ पे चेक करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि शिव म्यूज़िकल्स में आप एक बार आकर के यहाँ पे 2-3 घंटे, जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे आके चेक करिए, और मुकुल भैया है ही साथ में, वो आपको गाइड भी करेंगे, भले अगर आप यहाँ से नहीं ले रहे हो या फिर अदर उससे ले रहे हो तो भी भैया आपको गाइड कर ही देंगे। तो गाइस, मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन में से जब भी लो तो थोड़ा सा लोकल में आप वो करिए, थोड़ा सर्च।